अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। और हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब वो पॉइंट्स कहाँ पे यूज़ होंगे, उससे हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं, मैं वो बताने वाली हूँ। इसका एक फॉर्मेट है, हम बनाते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और ये उसका प्रॉपर फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर नीचे लिखते हैं किस साल के लिए बना रहे हैं हम लोग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर होगा वो सामने लिख देंगे, ठीक है। ये दो इसकी हेडिंग्स हैं। अब इसको बनाना कैसे है, वो जो चार चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी वही चार चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी और हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस हमारा आ जाएगा। ये बुक के पेज नंबर 6 पर मेंशन है सारा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहले आ जाता है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में जो हमारे पास कैपिटल बचेगा वो, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, अब यहाँ पे ड्राइंग्स हमने ऐड करनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर और उसके बाद उसमें ऐड क्या करनी है, ड्राइंग्स। ये ऐड कर देंगे तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा, उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसलिए हम लोगों ने लाइन को खाली छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे पास आंसर आया है कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स ऐड करने के बाद, उसमें से लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, जो एक्स्ट्रा कैपिटल हमने साल के दौरान अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। जब वो हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। साल के एंड में जो एडजस्टेड कैपिटल होगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा। मैं ये भी आपको बता देती हूँ मैं कहाँ से बता रही हूँ, ये है एडिशनल कैपिटल और इसके बाद उसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा उसके बाद इसमें से हमने माइनस करना है या फिर लेस करना है कैपिटल एट द बिगनिंग, साल के शुरू में जो हमारे पास कैपिटल था ये वाला, ठीक है, इसको हमने लेस कर देना है। अच्छा, अब इसको हमने लेस कर देना, अब ये सारा प्रोसीजर हम कर लेंगे, उसके बाद हमने अपना आंसर देखना है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव साइन नहीं आ रहा उसके साथ, तो वो होगा प्रॉफिट। पर अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वो लॉस होगा, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे हमारे बुक में जिसमें सारी चीज़ें आपको दी होंगी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, ये सब कुछ दिया होगा और आपसे कहा गया होगा प्रॉफिट फाइंड करो, तो हम ये सिंपल पैटर्न यूज़ करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी हो सकता है उसके बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है। अच्छा, ट्विस्ट ये हो सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल शायद उन्होंने ना दिया हो हमारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब वो फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब अगर हमारे पास उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल और बिगनिंग कैपिटल, ये दो पॉइंट्स अगर नहीं दिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। अच्छा, अब दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, एक यहाँ ऊपर एक यहाँ नीचे। अब दोनों को आप गौर से देखो, मैंने ऊपर हेडिंग दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एट बिगनिंग, ठीक है, और नीचे वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और आगे ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एट एंड।
अब बिगनिंग और एंड का डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, उसकी डेट से। अब आगे मैंने उसकी हेडिंग क्या दी हुई है, एज एट 1st January और कोई भी ईयर जो भी मेंशन होगा हम वो लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 1st January की बात हो रही है, जो 1st January की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये साल का स्टार्ट है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, साल के शुरू में हमारे बिजनेस में हमारे पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो हमने मेंशन करनी है, वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। एसेट्स में क्या क्या आता है, आपने लास्ट ईयर सब कुछ पढ़ा हुआ है, आई होप आपको याद होगा। एसेट्स में आ जाता है स्टॉक, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ठीक है, बैंक, कैश, ये सब कुछ एसेट्स में आता है। जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी हमारे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। अभी शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना, अभी सिर्फ आप इसको समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने एसेट्स यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो हमने किसी से उधार लिया या कुछ वो लिखेंगे, और कैपिटल। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास कैपिटल गिवन नहीं होगा, कभी भी गिवन नहीं होगा। साल के शुरू में जो चीज़ें होंगी उसमें हमारे पास स्टॉक, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल या इसके अलावा और दूसरी चीज़ें गिवन होंगी, या कोई लाइबिलिटी होगी तो वो गिवन होगी। अब हम लोग लास्ट ईयर हम लोग लेजर बनाते थे, तो आपको याद होगा कि जब हम लेजर बनाते थे तो उसमें एक बैलेंसिंग फिगर आता था, ठीक है। हम दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए एक फिगर लिख देते थे, ठीक है। तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे कैपिटल होगा, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। इसी तरह ये तो साल के शुरू की बात हो गई ना, अब ये तो साल के शुरू में हमने बना लिया। नेक्स्ट है जब साल ख़त्म होगा, तो साल के ख़त्म होने पर हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी, एसेट्स और लाइबिलिटी जितनी भी होंगी वो मेंशन करनी है हमने। एसेट्स में स्टॉक, व्हीकल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी। लाइबिलिटीज़ में जो भी लाइबिलिटी होगी वो लिखेंगे, और कैपिटल फिर से यहाँ पे नहीं दिया गया होगा, वो हमने इनको बैलेंस करके फाइंड करना है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूज़फुल भी, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया गया होगा तो आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते हो, ठीक है। उसको बनाने के लिए आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टार्टिंग और एंडिंग वाली बनानी पड़ेगी लाजमी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है तो मुझे आप बताना, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और एक और बात कि अगर मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, मैंने आप अपने हाथ से लिख के वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप भी ऐसे ही नोट करो, लास्ट वीडियो भी और ये वाली वीडियो भी, जिस तरह मैं नोट कर रही हूँ रजिस्टर पे, आप लोग भी वैसे ही नोट करो और अपने नोट्स मेंटेन करो, क्योंकि जब कॉलेज लगेगा तो मैं आपके नोट्स चेक करूँगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।